हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आपके लिए एक विशेष न्यूज़ है। आप सभी को मालूम है कि आज 30 जुलाई 2020 है, कल 31 जुलाई 2020 होगी और कल तक के लिए हम सभी को डेडलाइन मिल चुकी है कि आप अपनी सर्विस बुक मेंटेन करा लें, अपना सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करा लें, अपनी सर्विस बुक को पूरी तरह से सही करा लें। लेकिन दोस्तों, बड़ी समस्या है, साइट चल नहीं रही है, साइट पर बिधड़ दिखाता है, ठीक है, मानव संपदा पोर्टल लॉगिन हो नहीं रहा है, पासवर्ड गलत बता रहा है, तरह तरह की समस्याएं आ रही हैं। ऐसी स्थितियों में क्या आपने अपना सब कुछ सही कर लिया? क्या आपकी सर्विस बुक सही हो गई? क्या आपका सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया? क्या सर्विस बुक में आपकी फ़ोटो लग गई? क्या सर्विस बुक में आपका सिग्नेचर हो गया? क्या सर्विस बुक में आपके हाथों की दसों अंगुलियों यानी फिंगर का प्रिंट्स लग गया? नहीं ना दोस्तों, ऐसा नहीं हो पाया है। पूरे प्रदेश में शायद ही 1 या 2% लोग ही ऐसे होंगे जिनका सब कुछ सही हो गया होगा। जब हमारा विभाग, हमारे विभाग के अधिकारी, हमारा जिला अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहा है तो हमें और आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत क्या है? आइए मैं आपको इस वीडियो में आपके लिए कुछ विशेष लेकर आया हूँ, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने मन को संतोष दीजिएगा कि हमारा विभाग, हमारा जिला, हमारी BRC, हमारी NPRC सभी हमारे साथ हैं, हर कोई काम कर रहा है और काम से जैसे ही फुर्सत मिलेगी सूचना दे दी जाएगी। तो आइए हम अपने वीडियो में आपको विशेष रूप से जो मैंने टॉपिक छेड़ा है इसके बारे में मैं आपको बताने चल रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। मित्रों, कम से कम मेरी बात को इतना ही करिए कि दूसरों को शेयर कर दीजिए ताकि पूरा प्रदेश इस चिंता से मुक्त हो सके। तो आज मैं आपके लिए कुछ विशेष लेकर आया हूँ, आइए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। हाँ तो दोस्तों, आइए देखते हैं हमारी, आपकी और हम सबकी समस्याओं का निराकरण कहाँ से और कैसे मिल सकता है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे विभाग का बेसिक शिक्षा परिषद के 2 ही कार्यालय हैं, एक प्रयागराज में है और दूसरा लखनऊ में है। तो आइए हम इसी संबंध में बात करने वाले हैं आपसे। देखिए, ये पत्र जो भेजा गया है इसके प्रेषक कौन हैं? शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा निदेशालय। आप प्रेषक को फिर से ध्यान से देख लीजिए, प्रेषक कौन है? शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज। सेवा में विशेष सचिव उच्च शिक्षा अनुभाग 2 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। पत्रांक आप देख सकते हैं, आज 30 जुलाई है और आज का ही ये पत्र है। विषय है मानव संपदा पोर्टल पर डाटा फीडिंग व अपलोड कार्य करने में आ रही समस्याओं के संबंध में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप थोड़ा थोड़ा खुश हो लीजिए, थोड़ा थोड़ा आपके मन में आशाएं जगनी चाहिए, निराशाएं नहीं। अगर आप अभी तक अपना कार्य
सही ढंग से नहीं कर पाए हैं तो थोड़ा थोड़ा खुश होने का समय है। आइए पत्र को पढ़ते हैं। महोदय, उपर्युक्त विषयक शासन के अर्ध स प संख्या ये दिनांक 29 जुलाई 2020 जो मानव संपदा पोर्टल पर महाविद्यालय के कार्मिकों का डाटा दिनांक 31/7/2020 तक अपलोड किए जाने के संबंध में है। इस संबंध में आपको अवगत कराना है कि मानव संपदा पोर्टल पर कार्मिकों के सेवा विवरण से संबंधित सूचनाएं फीड कराने में जो समस्याएं आ रही हैं उसका विवरण निम्नवत है। मित्रों, भले ही ये पत्र जो है उच्च शिक्षा का है, लेकिन क्या ये समस्याएं प्राथमिक शिक्षा में नहीं आ रही हैं? आप ज़रा सोचिए, अगर हम प्राथमिक शिक्षा से संबंधित हैं, हम भी उसी पोर्टल पर काम कर रहे हैं, हमारा माध्यमिक शिक्षा विभाग भी उसी पोर्टल पर काम कर रहा है और हमारा उच्चतर शिक्षा विभाग भी उसी पोर्टल पर काम कर रहा है और उच्चतर शिक्षा विभाग को उस पोर्टल पर परेशानियां आ रही हैं, तो क्या माध्यमिक या प्राथमिक शिक्षा विभाग को उस पोर्टल पर परेशानियां नहीं आएंगी? आप ज़रा सोचिए और सोच करके बताइए, मैं आगे बढ़ता हूँ। तब तक क्या परेशानियाँ आ रही हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ये परेशानियाँ कामन हैं, सबकी कामन है। पहला, सर्विस अनअवेलेबल की समस्या पोर्टल पर प्रायः विद्यमान रहती है। बिल्कुल सत्य है, जब भी खोलिए सर्विस अनअवेलेबल दिखाता है और नीचे सर्वर एरर दिखाता है। ओके, इसका मतलब यह है कि साइट इतनी कमज़ोर है और काम इतना ज़्यादा है कि साइट इस काम का लोड संभाल नहीं पा रही है। नंबर टू, CSRF अटैक की समस्या प्रायः बनी रहती है। बिल्कुल सही, जिसके फलस्वरूप नियमित रूप से डाटा अपलोडिंग नहीं हो पाती है। बिल्कुल सही है, एकदम 100% सत्य है। और बीच बीच में साइट को विथहेल्ड भी कर देते हैं, विथहेल्ड WITH विथ HELD withheld, मतलब रोक देते हैं, यानी आप काम ही नहीं कर पाते हैं। फिर आपके लिए लास्ट डेट क्या है? जब आपने साइट को ही बंद कर दिया तो लास्ट डेट किस बात की, डेडलाइन किस बात की? बहुत अच्छा मैटर उठाया है हमारे उच्च शिक्षा विभाग ने। अगर उच्च शिक्षा विभाग इससे पीड़ित है तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग कहाँ तक इससे जो है मोहड़ा ले पाएगा, कहाँ तक इसको झेल पाएगा? तो आइए आगे बढ़ते हैं। CRS अटैक की समस्या प्रायः बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप नियमित रूप से डाटा अपलोडिंग नहीं हो पाती है। सही है, बिल्कुल सही है, ये हर विभाग के लिए है, चाहे उच्च हो, माध्यमिक हो या प्राइमरी हो। नंबर तीन, अपलोडिंग विथहेल्ड, वेरी गुड, ये बहुत बढ़िया बात बताई गई है। 3 दिन से साइट में यही प्रॉब्लम है, अपलोडिंग विथहेल्ड लिखा हुआ आ रहा है। अब प्राइमरी स्कूल का टीचर क्या खाक अपना डाटा अपलोड करेगा? कौन बताए इस समस्या को, कौन सुनाए इस समस्या को? अपलोडिंग विथहेल्ड की समस्या के कारण कई दिनों से समस्त शैक्षणिक दस्तावेज एवं पैन कार्ड अपलोड नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल सत्य बात है, साइट पर यही हो रहा है। नेक्स्ट है, मानव संपदा पोर्टल की वेबसाइट स्वतः लॉग आउट हो जाती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य बात हो रही है, अपने आप लॉग आउट हो जाती है। यानी अगर आप एडमिन हैं और आप काम कर रहे हैं, अपने अध्यापकों का डाटा फीडिंग कर रहे हैं, तो एक डाटा फीडिंग होने के बाद ये साइट खुद ही लॉग आउट हो जाती है और फिर से आपको खोलने का प्रयास करना पड़ता है, फिर से वही सारी समस्याएं आपके सामने आती हैं, सर्विस अनअवेलेबल, तरह तरह की समस्याएं आती हैं। लेकिन आम जो पब्लिक है, आम जनता है, आम शिक्षक है, वो यही समझते हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा है। लेकिन जब एडमिन साइड के लिए ये समस्या आती है तो आम पब्लिक के लिए कैसी आती होगी, हर कोई महसूस कर सकता है। मानव संपदा पोर्टल के अत्यंत ही धीमी गति के कार्य करने के कारण डाटा अपलोड करने में अत्यधिक समय लगता है, जिससे नियत समय में कार्य के निष्पादन में अत्यधिक विलंब हो रहा है।
बिल्कुल सत्य बात है। अवगत कराना है कि उक्त कार्य में आ रही उपरोक्त समस्याओं के कारण निर्धारित तिथि तक कार्य कराए जाने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। कृपया उक्त से अवगत होते हुए कार्य संपादन हेतु तिथि बढ़ाने का कष्ट करें। अब आपको मित्रों समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा था कि आपके लिए इसको खुशखबरी है। और ये पत्र किसका है? भौदी डॉक्टर वंदना शर्मा, शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। तो अब आप समझ सकते हैं, राहत की सांस ले सकते हैं कि जब हमारे उच्च शिक्षा विभाग को इतनी समस्याएं आ रही हैं तो हम लोग तो निचले पायदान पर हैं। हम लोग लर्निंग जो है, जो हमारा जो बेस है, आधारशिला है, वहाँ पर हैं हम। जब ऊपरी शिक्षा को ये समस्याएं आ रही हैं तो हमें आपको तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो उच्च शिक्षा विभाग है वो हाईली क्वालिफाइड है, टेक्निक्स सारी चीज़ों में हमसे बहुत आगे है। जब वहाँ ये समस्याएं आ रही हैं तो हमारे आपके फाउंडेशन डिपार्टमेंट में, आधारशिला डिपार्टमेंट में समस्याएं नहीं आएंगी? क्या हमारे अध्यापकों को ये समस्याएं नहीं आएंगी? सोचने की बात है। तो मित्रों परेशान मत होइए, सब कुछ होगा, आराम से होगा। आप सोइए मत, जागते रहिए, अपना काम करते रहिए और अपनी समस्याओं का निराकरण के बारे में सोचते रहिए। सो मत जाइए, सोना गलत बात है, जागते रहिए, अपना काम करते रहिए, एक दूसरे से मदद लेते रहिए और एक दूसरे की मदद करते रहिए। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत गुड नाइट, गुड बाय, थैंक यू।